शॉर्ट बॉल पे ये शॉट कौन खेलता है यार? अगर मैं होता ना, बस बॉल को देखता और शानदार। खुद को एक्सपर्ट समझते हो तो खेलो प्लेयर्स बोर्ड पर लोएस्ट एंट्री फी में। इस गेम में फाइनेंशियल रिस्क है और लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से खेलें और अपनी रिस्क पे खेलें। तो पिछले 24 घंटे में खबर आई पाकिस्तान से कि इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते सुधर गए हैं और सुधरने वाले हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बड़े अच्छे हो जाएंगे, तो क्रिकेट डिप्लोमेसी शुरू होगी। क्रिकेट डिप्लोमेसी का मतलब, अब इंडिया पाकिस्तान इस साल एक सीरीज भी खेलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयरों को कह दिया तैयार रहो। मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था, राहुल भी हैं, अनिल भी हैं, मैं इनसे जानता हूँ। शॉकिंग इसलिए था बिकॉज जहाँ तक मेरी समझ है, वो इंडिया पाकिस्तान का मिसट्रस्ट इतना हो चुका है कि उन रिश्तों को सुधारने के लिए, गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए कुछ दिन या हफ्ते या महीने नहीं, साल चाहिए होंगे। उसके बाद क्रिकेट की भी आप बात कर लो और अचानक से ये कह दो कि बस तैयार हो जाओ, क्या ये मुमकिन है? बिकॉज अगर वहाँ से बात आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, भाई बीसीसीआई में कुछ तो धुआं होगा। कोई धुआं नहीं है, बिकॉज बीसीसीआई को ऐसी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि खबर जैसे आपने बताया, जो खबर है वो ये कहती है कि प्लेयर्स को भी ये बात बोल दी गई है कि आप तैयार हो जाइए और 3 T20 मैचेस की एक सीरीज हम इंडिया में खेलेंगे, बट बीसीसीआई में इसको लेके कोई जानकारी नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, वो बोल रहे हैं कि एटलीस्ट हम तो नहीं देख रहे हैं नियर फ्यूचर। और ये होता है, अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक लेटर लिखा क्योंकि पाकिस्तान डे था, उस पर उन्होंने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया, कहा कि जी अगर टेररिज्म एक्टिविटीज़ बंद हो जाएं तो बायलैटरल जो हमारे रिश्ते हैं वो बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, अदरवाइज उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला नहीं। अगर और इस उम्मीद का आधार यही है तो ये बिल्कुल निराधार है। आधार सिर्फ ये है कि हमारे प्रधानमंत्री ने उनको एक चिट्ठी लिख दी, रिश्ते बेहतर करने हैं, उतने भर से सपने वहाँ पे सजा लिए गए, तो ये निराधार। देखिए, वो उनके एक सीनियर जर्नलिस्ट ने, आप उनकी उनका सोर्स क्या है, बट एटलीस्ट अगर मैं आपको इंडिया में बैठ के बताऊं तो यहाँ पे जो बोर्ड के ऑफिशियल्स हैं उनको इस बारे में कोई पता नहीं है। दूसरी बात यह है कि अब आपका आईपीएल एक लंबा दौरा चलेगा, उसके बाद आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलनी है, उसके बाद आपको इंग्लैंड भी खेलना है, उसके बाद आपको इंग्लैंड में एक लंबा दौरा है, आपका टेस्ट सीरीज है, उसके बाद ऐसा है कि जो T20 वर्ल्ड कप से पहले आप एक छोटा सा विंडो है, आप सोच रहे हैं कि उसको एक्सप्लोर करने का वो ये है कि हो सकता है आपको साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड के साथ दो छोटी छोटी T20 सीरीज दिख जाए। अगर पाकिस्तान वो कर रहा है तो वो अभी मुझे नहीं लगता कि इट इज़ वेरी मच पॉसिबल और एट ऑल। दूसरा ये भी है, मैं तो FTP के बियॉन्ड जा रहा हूँ। अगर वाकई में कहानी ये हो कि फिल्मी कहानी हो जाए और इंडिया पाकिस्तान दोनों मिल गए और प्राइम मिनिस्टर्स और ये वो, फिर तो FTP गया तेल लेने। फिर तो जी आप इंग्लैंड को कहोगे जी मुझे ये टेस्ट नहीं खेलना तुम्हारे साथ, मैं तो पाकिस्तान से खेलूंगा। मैं FTP की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे जान रहा हूँ कि क्या ये मुमकिन है, नॉट क्रिकेटिंग लॉजिक, ओवरऑल सिनारियो में, एटमोसफेयर में, नॉट एट ऑल। बस बदला क्या है, बस बात वो है कि, और ऐसा भी नहीं हम कह देंगे कि यार मतलब कोई मीटिंग हो गई, कोई आपके वार्ता हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक चिट्ठी उनको जब कोरोना हुआ था तब इन्होंने लिखी है, एक इन्होंने ये लिखी है, और ये मुल्कों के बीच ये रहता है, लेकिन हालात इतने ख़राब हैं दोनों मुल्कों के बीच कि आप ये सोच लो कि 15 दिन में, 21 दिन में, 28 दिन में वो होगा नहीं। 2015 में एक सिनारियो बना था, जब विंटर ऑफ 2015 में एक छोटा सा हुआ था, बायलैटरल कहीं पे हो जाएगा, ठीक है जी, और PCCI PCB उस टाइम पे नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर भी थे और मोदी जी अफगानिस्तान से वो उनके जन्मदिन और बेटी की शादी पे, बट उस टाइम पे मुझे लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जल्दबाजी कर गया, शारयार खान थे वो, बस ऐसा उनको था अभी बता दो, तो हर शाम कहते थे कल सुबह तक बता दो, सुबह बोलते थे या शाम तक बता दो, शाम को बोलते सुबह तक। आई थिंक उस वक्त BCCI इतना चिढ़ गया, उन्होंने कहा जाओ यार हम खेलते ही नहीं है। और ये BCCI इस वक्त ये भी जानता है कि एहसान मानी साहब जो हैं PCB के, उन्होंने NTBCCI बोला भी बहुत कुछ है, बिल्कुल, और किया भी बहुत कुछ, बिल्कुल है। आपको अब ICC के जो पिछले 1.5 साल की पॉलिटिक्स थी उसमें वो एक्टिवली इन्वॉल्व थे अगेंस्ट BCCI, वो शशांक मनोहर का, बिकॉज आपको याद होगा जब शशांक मनोहर को स्टेप डाउन करना था, उनका टेन्योर खत्म हो रहा था, तब एहसान मनी ने अपना नाम खुद ही उड़वाया था। मैं वही कह रहा हूँ, तो एहसान मनी तो खुद ही अपना नाम उड़वा देते हैं,
और वो पाकिस्तान में भी उनकी जिल्लत होती है। अच्छा दूसरी बात ये भी हुई कि एशिया कप को लेकर इन्होंने इंडिया को कितना बदनाम किया पिछले साल, जब सौरभ ने मेरे ही इंस्टाग्राम लाइव में, आपको याद होगा, बोल दिया था कि एशिया कप नहीं हो रहा, तो वहां पर तो बवाल मच गया था। इससे पहले कि मेरा इंस्टाग्राम लाइव खत्म हो मुझे बताया गया कि जी वहां पर तो आग लग गई है, और उन्होंने तब भी बीसीसीआई के अगेंस्ट बहुत बोला। इस साल भी इन्होंने खुद ही कह दिया कि जी जो बीसीसीआई है वो एशिया कप होने नहीं देगा, फिर खुद ही उन्होंने पीएसएल भी रख लिया, फिर खुद ही उन्होंने ये भी कह दिया कि जी अगर होगा तो ये होगा तो वो होगा। देखिए कुल मिला के ना पाकिस्तान आज की तारीख में भारत के लिए इररिलेवेंट है, इसीलिए बात वो बात नहीं है जो बहुत दूर तक जाएगी। हाँ मतलब अभी देखिए ये कहानी ना शुरू हुई है, और अगर आप ये सोच रहे हैं ये फास्ट फूड है, ये फास्ट फूड नहीं है, ये 3 घंटे की फिल्म है, अभी शुरू हुई है। अगर रिश्ते सुधरने होंगे, जो कि मैं यहाँ पे बैठ के उम्मीद करता हूँ, आप भी करते हो, आप भी करते हो कि भाई दोनों मुल्कों के रिश्ते सुधरें, कल को आपके क्रिकेट शुरू हो या कुछ भी शुरू हो, ओवरनाइट नहीं होगा। रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, और ये अगर आप ब्रिज ढूंढ रहे हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, वो दिन हफ्ते महीने नहीं लगते। तो आज की आपने 2 खबरें दी हैं, एक ही आपने बताया है कि ऋषभ पंत जो हैं वो दिल्ली कैपिटल्स के अगले कप्तान होंगे, और दूसरा कि इंडिया पाकिस्तान की जो बायलैटरल सीरीज जो बताई जा रही है वो ऐसा कुछ नहीं है। कहां से बताई जा रही है ये भी बता दीजिए। पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं, भ्रम न फैलाए। हाँ वो एटलीस्ट हमारे भ्रम, मतलब उर्दू में क्या कहते हैं भ्रम को, झूठ ना फैलाए, वो भी बोलते हैं शायद। चलिए ठीक, स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।